ओके हेलो स्टूडेंट्स. सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12. और इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में. तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो लाइक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने क्या किया था, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को हमने मैन्युपुलेट किया था, मतलब ऑल्टर किया था. तो इस ऑल्टरेशन के बाद में जो एक मॉडिफाइड, बेसिकली आप यहाँ पे जीनो टाइप चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम लोग, जीनो टाइप का मैनिपुलेशन कर रहे, मैनिपुलेशन या फिर आप उसको ऑल्टर कर रहे हो ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म. तो इस ऑर्गेनिज्म को मैं नाम क्या दूंगी, ये हो जाएगी हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब जैसे कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया हो, ये हमारी फंजाई भी हो सकती है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक एनिमल भी हो सकते हैं. तो अगर इसको बैक्टीरिया होगा तो इसको बोलते GMB, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया. इसको बोलते GMF, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगस. इसको बोलते हैं GMP, जो आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा कभी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. और इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है, मैं बताऊंगी इस चैप्टर के अंदर, यही तो हमको पढ़ना है ना. तो अब हम लोग बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यूज क्या है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है. तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में. तो ग्रीन रिवोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर एक बूम आना, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन. तो ऐसा हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर के अंदर, कि हमने फूड का जो प्रोडक्शन है वो मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 3 कर चुके हैं. फूड का प्रोडक्शन जो है अब तक प्रीवियस से हम लोगों ने मल्टीप्लाई 3 कर चुके, थ्राइस कर चुके हैं. बट उसके बाद भी फूड की सप्लाई प्रॉपर पूरी हो नहीं रही है. तो खाली प्रोडक्शन इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, हमें फूड का क्वालिटी भी इंक्रीज करना होगा. क्वालिटी भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा. तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी कहां पे, फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर के अंदर. तो अभी हम लोग ये डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे. हाँ, एक और चीज, मैं ग्रीन रिवोल्यूशन की बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आने के बाद एक तरह से एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है बायोटेक ने. सो दैट्स वाई हम लोग इसको बात करेंगे क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में. तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. ऐसा हम फिर वापस पढ़ेंगे फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर के अंदर. तो अभी फिलहाल मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग क्यों यहाँ पे मतलब जीन ट्रांसफर करना चाहते हो प्लांट के अंदर. तो इसके लिए देखो इसकी हम लोग रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, इसके बारे में रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो इसके अंदर हमें क्या बनाना है, प्लांट बनाने हैं. और ये प्लांट होने कैसे चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए, सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट, ये पैथोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए प्लांट. कैसे होने चाहिए, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हम लोग प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाता है कौन सा, हमारा बीटी कॉटन एग्जांपल आ जाता है, बीटी प्लांट. बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है और ये शायद हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ा था. तो ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस होता है, इसके पास एक जीन प्रेजेंट होता है जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और जीन का नाम होता है क्राइस जीन, जो इंसेक्ट को रुला देगा. ठीक है, तो क्राइस जीन से एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो टॉक्सिन होता है, पर वो बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है. मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी. पर अगर उस टॉक्सिन को एंगल्फ कर ले कोई अगर इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट के गट के अंदर क्या करेगा, इंटेस्टाइन की सेल्स को ही मार देगा. तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है ना. तो क्यों ना हम लोग इस बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाले जीन को अगर मैं प्लांट में ट्रांसफर कर दूं, तो उस कंडीशन में अब ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस करेंगे एक टॉक्सिन, और इसको खाने पर उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्या बना दिया, पैथोजन रेजिस्टेंट प्लांट बनाना चाहते हैं. दूसरा इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है,
तो हम लोग बात बात करेंगे कि प्लांट्स को हम लोग ई बायोटिक एंड ई बायोटिक रेजिस्टेंस भी बनाना चाहते हैं। अब ई बायोटिक कैसे, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, दिस इज बायोटिक रेजिस्टेंट। अब ई बायोटिक मतलब वो आराम से हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सके, लो वेरी लो टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सके, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, है ना, और फ्रीज रेजिस्टेंट हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग बनाना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली जेएनयू के अंदर डॉक्टर आशीष पूरा नाम क्या था उनका, निराला था पता नहीं क्या, तो वो काम कर रहे थे इसके ऊपर, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट के ऊपर। तो एक्चुअली जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट ग्रो होते हैं ना, वो डेजर्ट में क्यों सक्सेसफुल ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं HSP, हीट शॉक प्रोटीन। तो वो क्या कर रहे थे कि अगर मैं मान लो मेरी कोई भी नॉर्मल क्रॉप जो लो टेम्परेचर, सॉरी ठीक है एक मिनट रुक जाओ आप लोग, लाइट चली गई है बट होप सो आप लोगों को दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर रहे थे हीट शॉक प्रोटीन के बारे में, HSP प्रोटीन के बारे में। तो वो जो सर थे वो एक्चुअली वहां पे उनकी लैब के अंदर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए जा रहे थे जो बेसिकली क्या होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते। तो वो उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे थे क्या, HSP प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये हो गया ए बायोटिक रेजिस्टेंट, ये हो जाएगा ए बायोटिक रेजिस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने पर उनके यूटिलाइजेशन को हमें इम्प्रूव करना है। जैसे मान लो कि प्लांट ने सॉइल से मान लो 10 कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया, बट 10 कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसमें से यूज वो सिर्फ मान लीजिए 5 को ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 तो उसने अननेसेसरी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया जो यूज भी नहीं हुआ, और इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम इस तरीके से प्लांट को मिनरल यूटिलाइजेशन को भी क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा हम लोग प्लांट की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की भी बात करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव भी हम लोग करना चाहते हैं। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ये गोल्डन राइस, एग्जाम्पल आता है यहाँ पे कौन सा, गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस जो होता है वो गरीबों का राइस है, गरीबों के चावल। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं उनको बेचारों को खाने के लिए फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते। तो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि उनको खाने के लिए अगर विटामिन ए फ्रूट्स अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की, एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी से अगर कोई भी एक गरीब फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर उसको विटामिन ए की सप्लाई अगर नहीं हुई तो बच्चे की आईज के अंदर रेटिना डेवलप नहीं होगा, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो पैदा होने वाले जो बच्चे होंगे वो मेंटली रिटार्ड भी होंगे और हो सकता है कि वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक बहुत नोबल वर्क किया था साइंटिस्ट इंगो पॉट्रिकस ने, और उन इंगो पॉट्रिकस ने क्या किया कि सबसे ज्यादा गरीबों को अवेलेबल क्या होता है, राइस अवेलेबल होता है। तो उन्होंने क्या किया, विटामिन ए को, विटामिन ए मतलब क्या होता है, ये कैरोटीन होता है प्लांट के अंदर, तो कैरोटीन वो भी कौन सा, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की जो जीन थी और उस जीन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, राइस के अंदर। तो इस तरीके से राइस का जो कलर है वो गोल्डन हो गया, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा क्या, गोल्डन राइस। और ये सब आप लोग जानते हो बेटा कि विटामिन इस बीटा कैरोटीन को डिग्रेड करने पर क्या बनता है, इसको डिग्रेड करने पर मिलता है आपको विटामिन ए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, चलो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर लिया। अब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ को भी इंक्रीज करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ को भी इंक्रीज करना है, या मैं अगर बोलू सेल्फ लाइफ को, फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है। मैं आज थोड़ा फटाफट पढ़ाने वाली हूँ तो ध्यान रखना, अगर ज्यादा फास्ट है तो आप स्पीड कम कर लीजिए। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है बेटा बचपन के अंदर मम्मी मुझे मार्केट भेजती थी और बोलती थी सब्जी लेके आओ, तो मैं टमाटर लेके आती थी उस टाइम।
तो वो टमाटर जो है वो हार्डली 2 या 3 दिन के अंदर सारे खराब हो जाते थे, वो मतलब इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक तो चलते नहीं थे। बट आज के टाइम में मैंने देखा है कि हम जो घर में टमाटर लेके आते हैं वो दुकान के ऊपर तो 5-6 दिन पड़े रहते हैं, और पता नहीं मार्केटिंग के बाद भी, मतलब सॉरी ट्रांसपोर्टेशन में भी उसने कितने दिन बिताए होंगे, उसके बाद में हमारी फ्रिज में भी कम से कम 10 दिन रह जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने टमाटर को तोड़ा, मतलब हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद होता क्या है कि जब भी हम फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स होती है उनको प्लांट से अलग कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफी सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, और इवन मार्केट के अंदर जाना, फिर मार्केट के अंदर बेचना, तो एक पर्सन तक पहुंचने पर उसका क्या होगा, पूरे मतलब लॉस होता है, वो काफी फ्रूट सड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग उनकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दें। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो आ जाओ क्लास 11th के अंदर, तो एक हमारे पास जो फ्रूट होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं, और ये अनराइपन फ्रूट्स आपने खाए होंगे तो ये कैसे लगते हैं आपको, हार्ड लगते हैं। और जब फ्रूट्स क्या होते हैं, राइपन हो जाते हैं, पूरे पक जाते हैं फ्रूट्स, तो उसके बाद में ये आपको खाने में कैसे लगेंगे, ये खाने में आपको सॉफ्ट लगेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे हार्ड कहने का मतलब है कि सेल्स बहुत टाइटली अटैच्ड है, यहाँ पे सेल्स क्या हो गई, दूर दूर हो गई। एंड मुझे बताओ प्लांट्स के अंदर, प्लांट की सेल्स को जोड़ने में चिपकाने में किसका काम होता है, आपने पढ़ा होगा पैक्टिन का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर दियो, तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गई, दिस इज प्लांट सेल, ये क्या हो गई, प्लांट की सेल्स हो गई। तो प्लांट की सेल्स को यहाँ पे चिपकाने में किसका रोल होता है, यहाँ पे इसमें इसको चिपकाने में रोल होता है पैक्टिन का। तो पैक्टिन अगर प्रेजेंट होगा, मिडल लेमेला पैक्टिन अगर प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन में सेल्स जो होती है वो टाइटली अटैच्ड होगी, एंड टाइटली अटैच्ड होने की वजह से ये जो फ्रूट होगा वो खाने में आपको कैसा दिखाई देगा, हार्ड दिखाई देगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस पैक्टिन को डिजोल्व कर दे, मिडल लेमेला को डिजोल्व कर दे, और मिडल लेमेला को डिजोल्व करने पर जो सेल्स होगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, एंड दूर दूर हो जाने पर ये पार्ट जो है आपको सॉफ्ट मिलेगा। नाउ तो मैडम इसको डिजोल्व कौन करेगा, तो पैक्टिन को डिजोल्व करने वाला एंजाइम होता है कौन सा, पैक्टिनेज, कौन होगा, पैक्टिनेज एंजाइम। और ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है इसको क्या बोलते हैं, पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, म्यूटेंट कर देते हैं, क्या करेंगे, म्यूटेंट कर देते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ फ्लेवर सेवर टोमेटो, मैं बात कर रही हूँ फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। तो आज हम लोग जो खा रहे हैं बेटा, ये वो वाले टमाटर है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। सो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस पैक्टिनेज एंजाइम की जीन को हमने म्यूटेंट कर दिया, ये ध्यान रखना मैंने माइनस किया है। तो ये म्यूटेंट करने के बाद यहाँ पे पैक्टिन डिजोल्व होगा क्या, नहीं, और पैक्टिन डिजोल्व नहीं होगा तो उस केस में ये जो फ्रूट होंगे वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक हार्ड मिलेंगे। सो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, हार्वेस्टिंग लाइफ जो होती है, सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो गई, पक्का। अब इसको हम लोगों ने कैसे किया जीन को म्यूटेट, तो ये मैं बाद में आपको समझाऊंगी, थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस, ये हम लोगों ने थ्रू आरएनए इंटरफेरेंस क्या किया है, इसको जीन को म्यूटेंट कर दिया। तो देखो हमेशा जीन को ट्रांसफर करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है, जीन को प्रेजेंट जीन को म्यूटेंट करना भी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। मतलब चाहे आप उस जीन को म्यूटेंट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो या उसके फंक्शन को बढ़ा रहे हो या उसके अंदर उसके कॉपी नंबर बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बेटा, उसका जीनोटाइप अगर मैनिपुलेट कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्लियर हो गया। तो ये तो हमने बात की थी इसकी बायोटेक की, एग्रीकल्चर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल पढ़ाने वाली हूँ जो पूरी एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में दिया हुआ है। एक इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका बीटी प्लांट एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, कौन सा, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो आओ चलो बात करते हैं बीटी प्लांट के बारे में। तो देखो अभी मैंने आपको बोला था कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया का एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम के अंदर ये एक प्रोटीन बनाता है, एक टॉक्सिन बनाता है,
और पार्टिकुलर लाइफ टाइम का मतलब होता है एंडोस्पोर, मतलब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना तब, तो ये बनाता है टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन को बनाने वाली जो जीन होती है उसको बोलते हैं क्राई। अब इसको नाम क्राई क्यों दिया गया, बिकॉज ये प्रोटीन जब बनता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, तो क्रिस्टल से आ गया क्राई, तो इस जीन को बोला जाएगा क्या, क्राई जीन। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया को हार्म क्यों नहीं करते, बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। तो मैडम ये क्रिस्टल एक्टिवेट कब होंगे, तो जब कोई इंसेक्ट इसको खाएगा और उसके खाने के बाद वो उसके गट में जाएगा, एंड यू नो जब गट, गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक, तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आपने देखा होगा शुरू के अंदर एसिडिक पीएच होता है लाइक स्टमक, बट उसके बाद में पीएच कैसा होता है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे पीएच अल्कलाइन होता है। तो जैसे ही ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पे जाके अल्कलाइन पीएच पे ये क्रिस्टल डिजोल्व हो जाते हैं, एंड डिजोल्व होने सर इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो रिलीज हो जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद जो उसके गट की एपिथेलियल सेल्स होती है उनके अंदर वो स्वेलिंग करेगा, और स्वेलिंग करके उन सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। तो अगर सोचो कि तुम्हारा बॉडी से अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दूं तो क्या होगा, तो बेटा भूखमरी की वजह से डेथ हो जाएगी, अब आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो उसकी वजह से फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो मैम इसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि हम लोगों ने जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, तो ये सिग्निफिकेंस आप एक और लिख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे लिख देती हूँ सिक्स। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड वो हम लोगों ने डिक्रीज कर दी, अब इनके ऊपर हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चलो तो इस तरीके से मैम हम लोगों ने कौन कौन से प्लांट जो है वो उनके अंदर जीन को, बीटी जीन को ट्रांसफर कर चुके हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जेएनयू के अंदर हर साल कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग होती है ये जीएमओ को लेकर, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को लेकर, जिसके अंदर अभी तक सिर्फ बीटी जीन को अप्रूवल मिला है, बाकी इसके अलावा बीटी ब्रिंजल भी होता है, बीटी टोमेटो, बीटी पोटेटो, इसके अलावा सोयाबीन भी होता है, ये सारे प्लांट को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। जो एडिबल वाले, जो खाने वाले जो प्लांट होते हैं ना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं क्या, बीटी कॉटन बना चुके हैं, बीटी टमाटर बना चुके हैं, बीटी आलू बना चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने बीटी सोयाबीन भी बना दिया है, सोयाबीन भी बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहां भी लिख देती हूँ एक्सेट्रा। तो टमाटर आलू सोयाबीन कॉटन, तो ये हमने बीटी प्लांट बना चुके हैं, बट अभी तक फील्ड के अंदर यहाँ पे ग्रो कौन किसको किया जा रहा है, फील्ड के अंदर अभी तक कॉटन को ग्रो किया जा रहा है, इनको अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि क्या पता अगर इसको ह्यूमन अगर खाएगा तो ये टॉक्सिन ह्यूमन की बॉडी में भी तो जाएगा, और वहां पे भी तो क्या होती है, एल्कलाइन पीएच होती है इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहां जाके वो हो सकता है कि ह्यूमन को हार्म करे, सो दैट्स व्हाई अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिला है, इसको अप्रूवल मिल चुका है और ये तो अभी काफी ग्रो भी हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसमें हमने क्या बात की थी, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस के बारे में, थ्यूरिंजेंसिस, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर जब ये एंडोस्पोर कंडीशन में होता है, तो एंडोस्पोर कंडीशन के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्राई जीन, ठीक है, और वो क्राई जीन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करती है एक टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन को मैंने क्या नाम दू, इसको टॉक्सिन को मैं बोलूंगी क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बट ये टॉक्सिन अभी कैसा है, ये टॉक्सिन अभी आपको इनएक्टिवेट फॉर्म के अंदर मिलेगा, हाँ, बट जब इस क्रिस्टल को ये मतलब क्रिस्टलाइज प्रोटीन टॉक्सिन जो होता है इसको जब इंजेक्ट करेगा कौन, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट के अंदर जाएगा ये कहां पे, उसके गट के अंदर, और गट भी अगर मैं बोलूं तो स्पेशली मिड गट,
क्योंकि जो फॉर गट होती है ना, आगे वाली गट, वहां पे पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, एंड एसिडिक पीएच में ये ना क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा. तो मिड गट के अंदर यहाँ पे पीएच होती है क्या, एल्केलाइन पीएच, एंड एल्केलाइन पीएच के अंदर ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहां से एक्टिवेट होगा. एंड एक्टिवेट होने के बाद ये जो गट की एपिथेलियल जो सेल्स होती है, मतलब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स. तो इन एपिथेलियल सेल्स को ये स्वेल करेगा, एंड स्वेलिंग के बाद इनकी हो जाएगी क्या, डेथ. और इस वजह से इंसेक्ट की क्या हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है. तो ये राम कहानी आपको समझ आ गई, ठीक है. अब देखो बीटी जो टॉक्सिन, ये हम लोगों ने क्राइजीन के बारे में जो बात की है ना, तो ये क्राइजीन जो है हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की होती है, और क्राइजीन जो होती है स्पेसिफिक होती है. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइजीन जो है वो सारे इंसेक्ट को किल कर दे, नहीं. तो इसका मतलब ये क्राइजीन जो होती है वो इंसेक्ट, क्राइजीन क्या होती है, इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है. इंसेक्ट क्या होगी, स्पेसिफिक होगी. नाउ देखते हैं कैसे. तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे क्राई, क्राई वन ए सी, कैपिटल ए होगा बट सी स्मॉल होगा. एंड दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है क्राई टू, कैपिटल ए बी. तो ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो है आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसको, कहां से, कॉटन बॉलवर्म से, कॉटन बॉलवर्म. एंड बॉलवर्म आप लोग जानते हो कॉटन के अंदर, बेटा आप एनसीईआरटी देखो पेज नंबर 209 के ऊपर है ना, तो वहां पे एक फोटो दिया हुआ होगा आपको. तो इस फोटो के अंदर आपने देखा होगा कि जो कॉटन जो लगता है वो आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है ना, मतलब बॉल. तो इस बॉल के अंदर देखो आपको एक है ना पोर दिखाई दे रहा है, जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन हो गया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉटन बॉलवर्म. सो अगर इस बीटी कॉटन को आपको इस इंसेक्ट से अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो उसमें आप जीन कौन से ट्रांसफर करोगे, या तो क्राई वन ए से ट्रांसफर करोगे, या फिर क्राई है ना टू ए बी ट्रांसफर करोगे. चलो तो इसको याद करने का ट्रिक बता देती हूँ. ये क्या है, सी है ना, तो ये कॉटन हो गया, एंड बी से क्या हो जाएगा, बॉलवर्म हो जाएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट आएगा इसके अंदर क्या, यहाँ पे क्राई, नेक्स्ट कौन सा है, क्राई वन ए बी, क्राई कौन सा हो जाएगा, वन ए बी. और ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कॉर्न बोरर से, गुट्टे से. तो ये वाला कॉर्न बोरर है बट ये वाला कॉटन है, तो आप दोनों में से एक याद रख लो, तो दूसरा ऑपोजिट हो जाएगा, ये वाला कौन सा, कॉर्न बोरर. तो ये वाला वन ए बी इधर है और टू ए बी इधर है, ठीक है. तो ये वन है, ये भी वन है, बट ये ए बी है और ये भी ए बी है, क्लियर हो गया. चलो तो अगर आपको कॉर्न बॉर्डर से अगर क्या करना है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है प्लांट को, तो इस बार आप जीन कौन से ट्रांसफर करोगे, क्राई वन ए बी. मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. अच्छा, एक एनसीईआरटी में इससे पहले और लिखा हुआ है कि प्लांट को मतलब कौन से जो इंसेक्ट होते सबसे ज्यादा हार्म करते हैं, तो प्लांट को इंसेक्ट सबसे ज्यादा हार्म करते कौन से, लेपिडोप्टेरान, लेपिडोप्टेरान जो होते हैं. और लेपिडोप्टेरान के अंदर आता है आपका आम, मतलब आर्मी, आर्मी वर्म, ठीक है. और एक आप लोग याद रखना इसमें क्या, टॉबिको, ठीक है. तो ये आप लोग देख लेना कि लेपिडोप्टेरान के अंदर एक टॉबिको वर्म आता है और एक आर्मी वर्म आता है, और दूसरा इसके अंदर आता है कौन सा, ये क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गई, डिप्टेरान, ठीक है. और एक दिया हुआ है कॉलियोप्टेरान, तो कॉलियोप्टेरान के अंदर आता है बीटल्स, और डिप्टेरान के अंदर आता है कौन सा, फ्लाइज और मॉस्किटो. उसको इस तरीके से याद रख लेना कि हम डिप कहां पे करते, डिप लिक्विड के अंदर करते, पानी के अंदर ना, डी आई पी, डिप, ठीक है. तो पानी के अंदर मॉस्किटो भी तो अपनी एग ले करते है ना, तो इस तरीके से इसको याद रखेना कि डिप्टेरान से बिलोंग करता है कौन, फ्लाइज और मॉस्किटो. और एक इसमें आ जाएगा कौन सा, कॉलियोप्टेरान, कॉलियोप्टेरान में आ जाएगी आपकी बीटल. और एक आता है इसके अंदर क्या, लेपिडोप्टेरान, तो लेपिडोप्टेरान के अंदर आ जाएगा टॉबिको बॉलवर्म, एंड आ जाएगा आपका आर्मी वर्म.
तो इस तरीके से ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया बीटी कोटन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, तो ये टॉपिक मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप पहले फटाफट इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो, तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट एग्जांपल देखा था क्या बीटी प्लांट्स के बारे में, एंड अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग और बोल सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है और इसके बाद ये एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये कोई टेक्नोलॉजी किसी भी साइंटिस्ट ने इवॉल्व नहीं की थी, ये ऑलरेडी यूकेरियोट्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पहले हम बात करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है। तो हम लोगों ने शायद मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था कि ये हमारे पास 5' है, 3' है, और इधर हो जाएगा 5', इधर हो जाएगा 3'। तो अगर इस तरह प्रमोटर है तो इस केस में यहाँ पे टेम्पलेट कौन होगा, तो आप लोग बोलोगे कि टेम्पलेट 3 to 5 वाला होगा, टेम्पलेट 3 to 5 होगा, क्योंकि आरएनए का सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होता है, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। तो इस स्ट्रैंड को मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो आरएनए किसका बनता है, एंटीसेंस का बनता है, और इसको बोला जाएगा यहाँ पे सेंस स्ट्रैंड, या फिर बोला जाएगा क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहां से इस स्ट्रैंड से क्या हो रहा है, एक आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है बेटा, एक जीन रेगुलेशन का एक तरीका है। मान लो कि सपोज करो कि एमआरएनए का सिंथेसिस हो गया और आपकी सेल को कमांड मिला है कि आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, अब उस केस के अंदर इसकी जो ओपोजिट एंड होगा ना, जिसको आप लोग सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हो, इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर देते हैं। तो उस केस में अगर ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये स्ट्रैंड भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो ये दोनों आपस में क्या होगी, इस तरीके से बाइंड हो जाएगी, और ये हमारे पास जो आरएनए होगा एमआरएनए वो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, एंड डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जो होगा वो राइबोसोम पे बाइंड नहीं हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी में जीन रेगुलेशन का तरीका भी होता है, पहला तरीका। दूसरा, तो एक तो हमारी सेल इसको यूज करती है फॉर जीन रेगुलेशन, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा वायरस से प्रोटेक्ट करने का तरीका भी होता है। अब उसका क्या मतलब हुआ कि होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं जो रैंडमली ट्रांसक्रिप्ट होते रहते हैं। तो जैसे मान लो कि इसमें से इस जीन से कोई प्रोटीन नहीं बनने वाला है, ठीक है, और इसमें से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और इस तरह से छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, तो ये क्या बन गए, छोटे छोटे आरएनए के रैंडम सीक्वेंस वाले फ्रेगमेंट बन गए जो हमारी सेल बनाती रहती है। अब मान लो सपोज करो कि इस सेल को कोई क्रॉस करके वायरस, ये कौन है, वायरस है ना, तो ये वायरस जब यहां से क्या होगा, एंटर होगा, तो वायरस जब यहाँ पे एंटर होगा तो इसके अंदर वो इंसर्ट करेगा क्या, अपना जेनेटिक मटेरियल। अब वो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। मान लेते हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है, ठीक है। सो उस केस में इसका आरएनए के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस होगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारे रैंडम आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना दिए, और इनमें से हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल से कोई भी एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे जाके मान लो बाइंड हो गया। तो जैसे ही ये इसके साथ बाइंड होगा तो यहाँ पे ये डीएनए कैसा हो जाएगा, आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया, पूरा तो नहीं बट पार्शियली भी क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया। और हमारे सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, तो सेल के क्या होंगे, अलार्म बनना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको बोला जाता है डाइसर प्रोटीन, जिसको बोला जाएगा डाइसर प्रोटीन। इस डाइसर प्रोटीन का काम क्या होता है, कट करना, चॉप करना। तो ये डाइसर प्रोटीन जो है वो भागते हुए यहाँ पे आएगी और इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को यहां से क्या कर देगी, काट देगी। तो क्या हुआ इससे,
तो इससे ये हुआ मैडम कि ये जो आरएनए है वो पूरा क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, वायरस का आरएनए। तो ये तो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। यस, ये कौन यूज करता है? यूकेरियोट्स। प्रोकेरियोट्स के अंदर हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहाँ पे यूकेरियोट्स के अंदर, इन यूकेरियोट्स के अंदर ये एक वायरस से प्रोटेक्शन का मेथड है, ये है ना। तो वायरस से प्रोटेक्ट करने का क्या हो गया, एक तरीका हो गया। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। समझ गए ना, तो ये डिफेंस का ही क्या हो गया, तरीका हो गया। चलो, तो इसीलिए भी इसको यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा एक हम लोग और बात करते हैं ट्रांसपोजोन्स के बारे में। आपको याद है ट्रांसपोजोन्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं जंपिंग जीन, जंपिंग जीन जो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं जीनोम के अंदर, तो इसलिए इनको बोलते हैं मोबाइल एलिमेंट। याद कीजिए जब मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाया था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा था कि 1-2% पार्ट जो होता है ह्यूमन का वो यूजफुल होता है, बाकी 98 से लेकर 99% जो पार्ट होता है वो सारा वेस्ट होता है। एंड वो जो मेजर पोर्शन होता है, फिर हमने देखा था कि मोर देन 50% जो डीएनए है वो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है। और रिपीटेटिव डीएनए के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था क्या, एक तो टैंडम रिपीट और एक मैंने पढ़ाया था इंटरस्पर्स्ड रिपीट। तो जो हमने इंटरस्पर्स्ड रिपीट देखी थी ना, वहां पे हम लोगों ने देखा था क्या, मोबाइल एलिमेंट के बारे में, जंपिंग जीन्स के बारे में। तो उसमें याद है आपको कट पेस्ट मैंने समझाया था और कॉपी पेस्ट मैंने समझाया था। हाँ, तो यहां पे भी ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन होते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन जो होते हैं ना, तो ये भी यहाँ पे इन रेट्रो ट्रांसपोजोन से प्रोटेक्ट करने का तरीका भी क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है। मैम नहीं आया समझ में, सपोज करो कि ये हमारा जीनोम है और इस जीनोम के अंदर यहाँ पे ये एक वायरस आके इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है, ये कौन आके आ गया, वायरस आ गया। और मान लीजिए कि ये वायरस जो है इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जंपिंग जीन की, तो उस केस में क्या करेगा, ये अपनी खूब सारी कॉपी बनवाएगा, ये अपनी खूब सारी क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से वापस डीएनए बनेगा। सो दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं, रेट्रो रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इससे बनने वाला जो डीएनए होगा ये इसकी बहुत सारी कॉपी हो गई, और ये कॉपी क्या होगी, फाइनली कुछ यहां जाके बाइंड हो गई, कुछ यहां जाके बाइंड हो गई, कुछ कॉपी यहां जाके बाइंड हो गई, कुछ कॉपी यहां बाइंड हो गई और कुछ कॉपी यहां बाइंड हो गई। तो इसका मतलब ये जीनोम के अंदर बहुत सारी जगह भी क्या हो रहा है, जंप कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं जंपिंग जीन या मोबाइल एलिमेंट, रेट्रो ट्रांसपोजोन। अब इससे भी बेटर डिफेंस का एक तरीका होता है क्या, अगर ये खूब सारे यहाँ पे आरएनए बना रहा है ना, तो उस केस में मैंने अभी बोला था कि हमारी सेल भी क्या करती है, खूब सारे आरएनए बनाती है, वो भी रैंडम सीक्वेंस, बस वो बनाएगी जो हमारे एमआरएनए के साथ बाइंड नहीं होना चाहिए, हमारे कोई भी एमआरएनए के साथ ये सीक्वेंस बाइंड नहीं होना चाहिए, तो उसको छोड़कर ये कोई भी सीक्वेंस का एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देगी। अब मान लो कि इसमें से कोई भी फ्रेगमेंट जो है वो यहां जाके बाइंड हो गया, तो अगेन यहां पे क्या हो गया, ये अलार्मिंग कंडीशन बच गई क्या, कि आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। एंड जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो अगेन ये डायस्टर जो प्रोटीन होगा ये आपके इसको क्या करेगा, चॉप कर देगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, एक सेलुलर डिफेंस का तरीका हो गया। तो इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस जो होती है वो इन तीन जगह पे यूटिलाइज करती है कौन, यूकेरियोटिक सेल। प्रोकेरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस नहीं मिलता है। तो फिर अब इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैम इससे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैसे यूज कर सकते, है ना। तो मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था वो भी यही था, टू डेवलप इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, वो भी था मैडुकाबिट्रा का, ठीक है, और चिकपी काउ, सॉरी काउपी पे मैंने काम किया था, और उसमें भी टेक्निक कौन सी थी, आरएनए इंटरफेरेंस था। ये क्लियर हो गया। तो देखो एग्जैक्टली ये होता क्या है ये आपको समझने की जरूरत है नहीं, बस आप ध्यान रखना क्योंकि ये तीनों चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब देखो इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो अब एक एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है निमेटोड्स। एंड बेटा निमेटोड्स आप लोग जानते हो, राउंड वर्म। एंड जो राउंड वर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं।
और टोबेको प्लांट के अंदर, टोबेको जो प्लांट्स होता है इसकी रूट्स के अंदर एक बहुत ही हार्मफुल पैथोजन रहता है, निमेटोड्स। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम देखो, पेज नंबर 210 पे, तो वहां पे रूट्स बनाई हुई है और उन रूट्स के अंदर एक निमेटोड बनाया हुआ है जिसमें निमेटोड का इन्फेक्शन होने पर वहां पे ट्यूमर बन जाता है, गांठें बन जाती है। तो अगर रूट इन्फेक्टेड हो गए तो फिर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस निमेटोड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मेलो आइडोगाइनी इनकॉग्निता, इनकॉग्निटिया, ठीक है। तो निमेटोड का नाम है क्या, मेलो आइडोगाइनी इनकॉग्निटिया, मेलो आइडोगाइनी इनकॉग्निटिया, मेलो आइडोगाइनी इनकॉग्निटिया, ये निमेटोड का नाम याद रखना। 12th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया सिद्ध वन वर्ड में, ठीक है, 1 मार्क्स में। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली निमेटोड जो है रूट्स को बहुत हार्म करता है, कौन किसके प्लांट की, टोबेको प्लांट के रूट्स को बहुत हार्म करता है। तो अब इससे हम बचाएंगे कैसे प्लांट को, तो इसको हम लोगों ने बचाया है किसके थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल की बात करती हूँ कि मैंने जिसके ऊपर काम किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने एक इंसेक्ट के ऊपर काम किया था जिसमें जीन मैंने टारगेट की थी काइटिनेज एंजाइम, कौन सी जीन, काइटिनेज एंजाइम को, जीन को मैंने टारगेट किया था। तो अब मान लो कि ये हमारे पास प्रमोटर है और इसके अंदर ये वाला जो फ्रेगमेंट है नीचे वाला, ये मान लो कि यहाँ पे आरएनए बना रहा है, ये क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, फिर आरएनए से यहां से बनेगा प्रोटीन। एंड मान लीजिए कि ये प्रोटीन कौन सी है, काइटेनेज वाली जीन हो गई, ठीक है। तो काइटेनेज एंजाइम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, काइटीन के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलो आप याद रख लो कि काइटीन के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग जानते हो बेटा कि इंसेक्ट का सबसे एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, काइटीन का बना होता है, ये तो पता होगा। तो अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें यहां पे ये 3 प्राइम 5 प्राइम है ना, ये 3 प्राइम, ये क्या है 5, मैंने एग्जैक्टली इस जीन को मैंने ना इंसेक्ट में से आइसोलेट किया। एंड आइसोलेट करने के बाद इस जीन को मैंने एग्जैक्टली प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। बट प्लांट में जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो इस बार बेटा मैंने प्रमोटर उल्टा कर दिया, तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, 3 प्राइम और ये क्या हो गया 5 प्राइम। इस बार मैंने प्रमोटर किधर कर दिया, ये वाला डीएनए जो है मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, होस्ट के अंदर, होस्ट का मतलब होता है प्लांट के अंदर। और ये डीएनए कहां प्रेजेंट है, ये डीएनए प्रेजेंट है इस मतलब निमेटोड्स के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है, मान लो सॉरी इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि मैं आपको इंसेक्ट का एग्जांपल बता रही हूं। तो आप मुझे बताओ कि इस केस के अंदर आपने प्रमोटर जब इधर रखा है तो अब टेम्पलेट कौन हो जाएगा, तो टेम्पलेट का डेफिनेशन चेंज हो गया, तो अब टेम्पलेट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो इस केस में अब आरएनए किसका बनेगा, इसका आरएनए बनेगा, है ना। तो अब मान लो कि सपोज करो कि इस प्लांट के लीफ के अंदर ये जो आरएनए बन रहा है प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने इसके राइबोसोम बाइंडिंग साइट को म्यूटेंट कर रखा है, तो ये राइबोसोम पे बाइंड नहीं होगा, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के, प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब मान लो कि इस लीफ को खा लिया किसी इंसेक्ट ने, तो जब इस लीफ को खाएगा तो अल्टीमेटली ये आरएनए कहां चला गया, इंसेक्ट के अंदर। और जब ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो ये आरएनए और ये वाला आरएनए, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, एंड यू नो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो राइबोसोम पे बाइंड नहीं हो सकता है, और उस केस में जब बाइंड नहीं होगा तो फिर फाइनली यहां से बैक्टीरिया, सॉरी ये जो इंसेक्ट होगा, ये इंसेक्ट का काइटिनेज एंजाइम फॉर्म नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सोस्केलेटन नहीं बन रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैंने बेटा ये क्या लिया है, काइटेनेज एंजाइम। आप लोग कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक जिनको टारगेट कीजिए जो सिर्फ निमेटोड्स के अंदर होती है, क्योंकि बेटा वो जीन कभी भी प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए,
नहीं तो अदरवाइज प्लांट का भी आरएनए इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ हम पहले आप टारगेट करो कि मेलो एडोगानी इनकॉग्निटा के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक जीन को टारगेट करो जो सिर्फ इसी में मिलती है, प्लांट के अंदर नहीं मिलती है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो क्या एसिटाइल कोलिन एस्ट्रोलेज, यू नो न्यूरोट्रांसमीटर, और ये तो प्लांट में होता नहीं है। हाँ तो मैंने एक और जीन पे काम किया था इंसेक्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के ऊपर, है ना। तो ये चीज होती है इसमें, तो आप इसमें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की जीन को क्या कर सकते हो टारगेट करके उसका इंटरफेरेंस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली बेटा जब इंसेक्ट यहाँ पे इस निमेटोड के अंदर जब क्या नहीं फॉर्म होगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जब फॉर्म नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इसका डेथ हो जाएगी। और इसके बाद पेज नंबर 210 के ऊपर जो एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर खूब सारे रूट के अंदर इंफेक्शन हो रखे हैं और उसके जस्ट 5 दिन बाद में आपने देखा है तो रूट के अंदर आपको कोई इंफेक्शन नहीं मिल रहा है। समझ आ गया पक्का। चलो तो नाउ लास्ट पॉइंट, अगर आपको प्लांट में जीन को ट्रांसफर करना है तो तरीका क्या हो गया, तो आप लोग यहाँ पे यूज करोगे एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस। तो हम लोग क्या करते हैं जो टीआई प्लाज्मिड होता है उस टीआई प्लाज्मिड का जो टी डीएनए होता है वो हम लोग निकाल के फेंक देंगे, उसकी जगह हमारी ये टारगेट सपोज करो ये वाला, तो ये टारगेट डीएनए हम लोग वहां पे उसमें एंटर करवा देंगे। फिर ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो आप एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस में ट्रांसफर कर दीजिए और फिर प्लांट को इन्फेक्ट करवा दीजिए एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिशियंस से। तो फिर फाइनली वो क्या बना लेगा, फाइनली वो बनाना शुरू कर देगा। कौन समझ आ गया। हाँ तो मेरा एग्जैक्टली ये काम था। चलो तो ये हमारा एग्रीकल्चर वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन मेडिसिन, तो मेडिसिन के अंदर क्या यूज है। देखो इसको